गाइज आज हम लोग बात कर रहे हैं लेजेंड 444 की। ओह सॉरी सॉरी गाइज सॉरी, आज हम लोग बात कर रहे हैं हैकर 444 यानी तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री सन की 444 की। अब टाइटल थंबनेल देख के तो समझ गए ना किसके ऊपर टॉपिक है, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे सन की 444 का चैनल डिलीट हो चुका है। क्या आप लोगों के रिएक्शन यही थे? बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सन की 444 का चैनल क्यों डिलीट हुआ, या फिर टर्मिनेट हुआ है, या फिर अभी बच सकता है। अब आपके हाथ में है कि आप क्या सुनना चाहते हो। अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, बट यार वीडियो का एंड तक वॉच करना, तभी आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आएगा। और हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब बटन दबाओगे तो सब्सक्राइब सीधा बेल आइकन में बदल जाएगा, और बेल आइकन को ऑल में करना तो उससे तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो देखो अब बात करते हैं हम सन की 444 के ऊपर। देखो गाइस, सन की 444 जो है ना वो हैकर था, ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। वो सॉरी टेक प्रो जैसा हो गया, ठीक है। सन की 444 जो है वो ना हैकर है, इतना सबको पता था। बट उसका चैनल डिलीट क्यों हुआ? हैकिंग की वजह से, पैनल लगा था इसके वजह से? ना, इसका चैनल डिलीट इसके वजह से हुआ, इसकी बेवकूफ़ी की वजह से। इसका चैनल ऐसे डिलीट हुआ है गाइस जो कि आप सोच ही नहीं सकते, बिकॉज इस बंदे को आया था एक सिंपल सा प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन आता है, सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, जितने भी मेरे भाई लोग यूट्यूबर हैं, तो भाई आप लोग क्या करोगे प्रमोशन के? आप खुश होगे कि भाई प्रमोशन आया, हम प्रमोशन करते हैं। बट उसने लिंक में दबाया, तो आप लोगों के लिए भी ये सतर्क रहे, सावधान रहे, बिकॉज इसने लिंक में दबाया, इसका चैनल हैक हो गया। आप तुम में से कई बंदे बोलोगे भाई हैक ही तो हुआ है, वो तो रिकवर हो जाएगा। बट नहीं भाई, देखो हैकर क्या होता है, हैकर को अपनी मर्जी होती है। अगर हैकर चाहे तो हैक कर सकते हैं, हैकर चाहे तो चैनल वापस दे सकते हैं कुछ पैसों में, या फिर वैसे भी दे देते हैं। कोई अच्छे हैकर होते हैं, कोई वैसे हैकर होते हैं। बट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ सन की 444 की, तो ये बाद में समझाऊंगा। तो देखो अब सन की 444 के बारे में आते हैं, तो इसका चैनल हैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ इसका जो चैनल था वो हैकर ने हैक करके एल्गोरिथम के रूल तोड़ के 18 प्लस कंटेंट डाल दिया। अब समझ में आया आप लोगों को? अब नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। तो 18 प्लस कंटेंट डालने के बाद उसका जो चैनल था वो टर्मिनेट हुआ, ठीक है। टर्मिनेट होके आप लोग बोलोगे भाई टर्मिनेट होके तो शायद आ जाता है, अभी मेरे को भी कन्फर्म नहीं है, बट क्यों आता है रिटर्न? अगर मान लो टोटल गेमिंग जैसा चैनल टर्मिनेट होता, भगवान करे ना हो कभी ऐसा, तो टोटल गेमिंग जैसा मान लो चैनल टर्मिनेट हो, तो देखो क्या होता है कि ऑडियंस का सपोर्ट होता है, सबसे पहले ऑडियंस आती है, ऑडियंस जो उनका चैनल है वो वापस ला सकती है, क्योंकि भाई वो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, अच्छे क्रिएटर है। बट हमारी फ्री फायर ऑडियंस इतनी बेकार और इतनी वाहियात तो नहीं है जो कि इतने बेकार बंदों का चैनल वापस लाएगी, यानी सन की 444 का। देखो सन की 444 एक ऐसा बंदा है जो कि हैक यूज़ करता है, पैनल यूज़ करता है, नॉन स्टॉप गेमिंग की लाइफ पे आके उसने पूरा हैक यूज़ करके बंदों को मारा है। तो अब आप तो समझ गए होंगे, सब समझदार हो, तो इसका चैनल क्यों डिलीट हुआ ये तो आपको मैंने बता दिया कि इसका चैनल पे 18 प्लस कंटेंट आए थे, इस वजह से ये डिलीट हुआ है। और इसका चैनल अब फ्री फायर की ऑडियंस ला सकती है, बट कोई ऐसा बंदा तो नहीं होगा जो कि लेके आ सकता है, ठीक है। अब गाइस वो आपके ऊपर है, अब आप उसे पसंद करते हो तो आप ला सकते हो, बट मेरे को तो इतना लगता है कि हमारी फ्री फायर ऑडियंस इतनी ख़राब भी नहीं है जो कि सन की 444 हैकर 444 का चैनल लाएगी। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।